जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है और यह किस महाद्वीप में पड़ता है और इसमें कितने देश आते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा पूरे वर्ल्ड का मैप और वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर दिखेगा अफ्रीका। ठीक है, यह वाला हिस्सा है अफ्रीका और अफ्रीका का यह जो ऊपरी भाग यहाँ पर दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यानी कि HOA। क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इसे हॉर्न क्यों कहते हैं, हॉर्न मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर समझिए। देखिए यह उसी वाले हिस्से को जूम किया गया है। देखिए यह वाला पूरा आकृति जब हम इसे देखेंगे तो यह पूरी तरीके से एक सिंह की बनावट जैसे, ठीक है, हार्न मतलब होता है सिंह, किसी जानवर के सिंह के समान यह वाला हिस्सा निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह निकला वाला हिस्सा, इसी को हम लोग कहते हैं हार्न। हार्न मतलब होता है सिंह, ठीक है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है तो इसीलिए इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं इनको देखते हैं। देखिए इसमें पहला देश आता है यहाँ पर है सोमालिया, यह वाला हिस्सा पीला कलर वाला है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगाडिशु। ठीक है, सोमालिया के ही प्रसिद्ध हैं समुद्री लुटेरे, इंडियन ओशियन में आने वाली जहाज़ों को, अब तो बहुत कम हो गया, पहले के समय में इंडियन ओशियन में अधिकतर आने वाली जहाज़ों को ये लोग किडनैप कर लेते थे और उसके बदले अच्छी खासी फिरौती मांगते थे। ठीक है, तो पहला देश है सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पहला देश कौन आता है? सोमालिया। और सोमालिया के जस्ट ऊपर यहाँ पर पड़ेगा इथोपिया। ठीक है, यह हो गया सोमालिया, सोमालिया के ऊपर पड़ेगा इथोपिया, इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। ठीक है, और ठीक उसके ऊपर पड़ेगा यहाँ पर रेड कलर वाला जो दिख रहा है भाग, इसे हम लोग कहते हैं जिबूती। ठीक है, जिबूती, जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। और उसके ऊपर यहाँ पर पड़ेगा इरिट्रिया, इरिट्रिया की राजधानी असमारा है। तो इसमें कितने देश आते हैं? चार देश। कौन कौन से, क्रम से बोलिए। देखिए सोमालिया, सोमालिया के बाद ऊपर इथोपिया, इथोपिया के बाद यहाँ पर हो गया, देखिए सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। फिर से एक बार देखिए कितने देश आते हैं? चार देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ठीक है, क्यों आते हैं? हाँ, क्योंकि इनकी आकृति ही ऐसी है सिंह की बनावट जैसी, किसी जानवर के सिंह जैसी। देखिए यहाँ पर पहला देश आता है सोमालिया, सोमालिया के जस्ट ऊपर है इथोपिया, सोमालिया, इथोपिया, यहाँ पर जिबूती, ठीक है, जिबूती के बाद इरिट्रिया। तो चार देश आते हैं, चारों को चार बार बोलिए। देखिए सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। ठीक है, तो कितने देश हो गए? चार देश। अब चारों को इस सादे मैप में देखिए, देखिए यह वाला देश कौन सा है? सोमालिया। सोमालिया कौन प्रसिद्ध है? डाकू, समुद्री लुटेरे। यहाँ पर है इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। उसके ऊपर यह जो पीला कलर वाला भाग दिख रहा है इसमें कौन सा देश आता है? यह है जिबूती। ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पर है इरिट्रिया। तो यह चार देश मुख्य रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में काउंट किए जाते हैं। क्यों हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे कहते हैं? क्योंकि यह अफ्रीका महाद्वीप में है और इसकी आकृति देखिए किसी सिंह जैसी, यानी कि किसी जानवर के सिंह जैसी आकृति यह निकली हुई है, इसीलिए इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल कितने देश आते हैं? चार देश। कौन कौन से? इथोपिया, देखिए यहाँ पर लिखा है, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया होगा चारों देश, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया। और इसी तरह से इस चैनल पर पूरे वर्ल्ड मैप को, यानी कि पूरे विश्व के नक्शे को पढ़ा दिया गया है। आप लोग जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एक मैपिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पर प्रत्येक देशों के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, और अभी वह सीरीज चली रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।